विद्यार्थियों, RCI एजु हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या, और ये हम चैप्टर नंबर 14 की बात कर रहे हैं। सेकंड फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 है और हमारा टॉपिक है द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। प्रिय विद्यार्थियों, हमने चैप्टर 13 के अंदर द्रव्य तरंग सिद्धांत या जिसे कहते हैं डी ब्रोगली परिकल्पना का अपने अध्ययन किया था, और आज हम उस सिद्धांत के आधार पर ही जो बोर है, जो बोर का द्वितीय अभिग्रहित है, हम उसको सोल्व करेंगे, उसको प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि हम किस तरह से इस सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो देखो, पहले हम बोर की बात करें। अपन जानते हैं कि बोर नामक एक वैज्ञानिक हुआ था। बोर के तीन अभिग्रहित हैं। जी हाँ, उसके तीन अभिग्रहित हैं। अब यहाँ पर हम बोर के द्वितीय अभिग्रहित की बात करें तो बोर का जो सेकंड जो अभिग्रहित है वो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा पाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग का मान nh/2π के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, यानी अपने द्वितीय अभिग्रहित में बोर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जैसे अपने ऐसे मान ले, माना कि हमारा परमाणु ऐसे, माने परमाणु है और माना कि बीच में नाभिक है, तो बोर ही कहता है कि परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा पाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग का मान nh/2π के बराबर होता है। यानी कि जो कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग mvr बराबर होता है nh/2π के। तो ये बोर का द्वितीय अभिग्रहित है कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में, यानी उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा पाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, यानी mvr का मान nh/2π के बराबर होगा, जहां पे n कक्षाओं की संख्या है, जहां h प्लैंक नियतांक है और mvr यहां पे कोणीय संवेग है। अब देखो, उसके बाद में क्या हुआ कि सन 1923 की बात है। सन 1923 के अंदर डी ब्रोगली नामक जो वैज्ञानिक हुआ था, उसने अपने द्रव्य तरंग सिद्धांत में बताया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो बोर प्रतिरूप में इलेक्ट्रॉन जब स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन द्रव्य तरंग की तरह व्यवहार करने चाहिए। यानी कि डी ब्रोगली ये कहता है कि जब नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य तरंग की तरह व्यवहार करने चाहिए। इस द्रव्य तरंग को अप्रगामी तरंग कहा जाता है। तो ये बताया डी ब्रोगली ने कि इलेक्ट्रॉन जब स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो वे एक तरंग की तरह बिहेव करने चाहिए, व्यवहार दर्शाने चाहिए, और उन तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहा जाता है। और ये जो तरंगे होती हैं, अप्रगामी तरंगे, इनका जो परिधि होती है, इनकी परिधि जो है, यानी उस वर्ताकार जो मार्ग की परिधि है, वो परिधि इन तरंगों के तरंग धैर्य के पूर्ण गुणज होती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो तरंग धैर्य होता है इन्हें तरंगों का, वो तरंग धैर्य वर्ताकार जो मार्ग की जो परिधि है,
परिधि 2πr के पूर्ण गुणज होनी चाहिए। ये बात कही थी डी ब्रोगली ने अपने सिद्धांत पे। ठीक है भाई, देखो तो यहाँ पे जो लैम्बडा यहाँ पे इन तरंगों का तरंग धैर्य है, और आप देख पा रहे हैं ये तरंग धैर्य परिधि क्या है, पूर्ण गुणज है, यन संख्या है। अब देखो आगे, तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो लैम्बडा है वो तरंग धैर्य है। अपन ने देखो इसमें एक संबंध पढ़ा था, अपन जानते हैं कि जो संबंध होता है संवेग में, देखो पी बराबर क्या होता है, एच अपॉन लैम्बडा होता है भाई। देखो ये संबंध होता है पी बराबर एच अपॉन लैम्बडा। ठीक है भाई, अब देखो अगर हम यहाँ से लैम्बडा का मान निकालें, किसका मान निकालें, लैम्बडा का, देखो यहाँ से लैम्बडा बराबर आ जाएगा एच अपॉन पी आ जाएगा भाई, क्या जाएगा, एच अपॉन पी। अपन भाई यहाँ पे लैम्बडा का मान रख देंगे, यह आ जाएगा एन एच अपॉन पी बराबर 2πr। ठीक है भाई, देखो अपने एक संबंध पढ़ा था कि जो जो द्रव्य तरंग होती हैं, द्रव्य तरंग के लिए जो संवेग होता है उस संवेग में और इस तरंग धैर्य में संबंध पाया जाता है, यानी पी बराबर होता है एच अपॉन लैम्बडा। हमने यहाँ से लैम्बडा का मान निकाल लिया, एच अपॉन पी आ गया, और हमने ये मान यहाँ पे रख दिया लैम्बडा की जगह, ये आ गया एन एच अपॉन पी। अब जहाँ पी संवेग है, अब देखो ये जो पी होता है, क्योंकि p बराबर होता है mv होता है भाई, क्या होता है mv, तो अपने p का मान रख देंगे mv, तो ये आ जाएगा n h अपॉन p का मान रख दो mv, mv बराबर 2πr। ठीक है भाई, अब 2πr को अपन यहाँ लिया है नीचे, और अपन mvr को इधर mv को इधर भेज सकते हैं, तो अपन n h अपॉन 2πr नीचे लिया हो भाई, और एम वी को इधर भेज दो तो एम वी आर ही हो जाएगा, ये आ गया एन एच अपॉन 2πr बराबर एम वी आर, यानी यहाँ पे बोर का द्वितीय अभिग्रह सिद्ध हो गया। तो इस तरह से डी ब्रोगली के जो संबंध होता है उस संबंध के आधार पे हम बोर का जो द्वितीय अभिग्रहित है हम उसको आराम से यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। फिर तो उसके बाद में आगे ये बताया गया कि ये जो अप्रगामी जो तरंगें होती हैं वो n बराबर 4 के लिए इनका एक डायग्राम जो है दर्शाया गया है। तो हम अब आगे n बराबर 4, देखो n या संख्या है, ध्यान दो n या संख्या है, तो हम n बराबर 4 के लिए जो ये अप्रगामी तरंगें होती हैं उनका डायग्राम बनाएंगे। देखो किस तरह बनेगा, तो n बराबर 4 के लिए जो अप्रगामी जो तरंगें होती हैं उनका चित्र बनाएंगे। तो देखो इस तरह से बनता है, जैसे माना कि कोई वृत्ताकार मार्ग इस तरह से है, अपने यहाँ शुरू किया इस तरह से, ये देखिए भाई, देखो अगर अपने यहाँ शुरू किया, देखो यहाँ से यहाँ मानो ये पहले के लिए हो गया, पहली नंबर एक, नंबर दो, यानी एक दो तीन और ये चार, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये केंद्र बिंदु हो गया, यहाँ से दूरी जो आर हो गई इसकी, इस बिंदु केंद्र बिंदु को अपन ओ मान लो, तो यहाँ पे जो केंद्र बिंदु ओ है, यहाँ से जो दूरी है वो उसकी आर, यानी आर इसकी त्रिज्या है इस वृत्ताकार मार्ग की, और यहाँ पे आप देख पा रहे कि हमने n बराबर 4 के लिए हमने ये अप्रगामी जो तरंग है हमने इसका डायग्राम बनाया है। और देखो तो यहाँ पे जो 2πr का जो मान है वो हो जाएगा कितना, देखो n लैम्बडा होता है तो n का मान यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू लैम्बडा, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 2πr बराबर 4 इंटू लैम्बडा। ठीक है, अब तो देखो इसके बाद में हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसके बाद में हम इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इसमें है कि यदि लाइमन जो श्रेणी है, लाइमन श्रेणी की जो प्रथम रेखा की जो तरंग धैर्य है वो 1216 एंगस्ट्रम दी गई है, तो हमें बामर और हमें पासन के लिए प्रथम रेखाओं का हमें तरंग धैर्य भी ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है तरंग धैर्य बामर श्रेणी के लिए और पासन के लिए। देखो तो हम नंबर पहले एक की बात करें बामर श्रेणी के लिए, तो बामर जो श्रेणी है, बामर श्रेणी के लिए, तो भाई देखो अपन जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक बटा लैम्बडा बी बराबर होता है आर इंटू एक बटा एन वन स्क्वायर माइनस एक बटा
माइनस एक बटा एन टू का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है। अपन जानते हैं कि जो बामर श्रेणी है वो नंबर दो पे आती है स्पेक्ट्रम में, तो भाई यहाँ एन का जो मान है वो दो हो जाएगा। अब जो इसका मान जब दो हो गया एन वन का, तो जो एन टू का जो मान है वो शुरू होगा तीन से। तो हम यहाँ पे एन वन और एन टू का मान रख देंगे। आर यहाँ पे रीडबर्ग नियतांक है, इसका मान फिक्स होता ही है, तो यहाँ हो जाएगा एक बटा लेमडा बी बराबर आर इन टू, इसका मान रखो एक बटा दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, और एक बटा हो जाएगा तीन का स्क्वायर जो कि एक बटा नौ हो जाएगा। भाई चार और नौ का लेंगे लेस है लघुतम, ये हो जाएगा एक बटा लेमडा बी बराबर आर इन टू, लेस का जाएगा छत्तीस, ये आ जाएगा नौ माइनस चार, तो एक बटा लेमडा बी बराबर किया जाएगा पाँच आर बटे छत्तीस। तो हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखो लेमडा का मान क्या आ जाएगा, ये संख्या आपस में पलट जाएगी, यानी छत्तीस ऊपर आ जाएगा और पाँच आर नीचे आ जाएगा। अब आर का मान हम जानते हैं, चूँकि आर का जो मान होता है वो होता है 1.09737 गुणा 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, ये भाई आर का मान होता है। आर यहाँ पे रीडबर्ग नियतांक होता है, तो हम यहाँ पे आर का मान रख देंगे, ये आ जाएगा लैम्ब्डा बी बराबर 36 बटा 5 गुणा आर का मान 1.09737 गुणा 10 की पावर 7। ठीक है भाई, अब यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो 6561 इसको सोल्व करने पर लगभग 6561 इसका जो है एंगस्ट्रम इसका आंसर आ जाएगा। तो लैम्ब्डा बी का जो मान आएगा इसको सोल्व करने पर वो लगभग 6561 एंगस्ट्रम इसका मान आ जाएगा। तो हमने ये ज्ञात किया बामर श्रेणी के लिए। हम इसी प्रकार से जो श्रेणी है पासन, हम उसके लिए भी ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखो यहाँ तो हमने ज्ञात कर लिया, तो इसका जो मान है यानी लैम्ब्डा बी का जो मान है, ये यहाँ से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे इसका, तो यह आ जाएगा 6561 एंगस्ट्रम इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। हम इसके बाद में फिर आगे बात करते हैं पासन श्रेणी के लिए। तो देखो हम ज्ञात करेंगे जो श्रेणी होती है पासन के लिए, सेम ये रहेगा सूत्र उसमें। तो पासन में क्या होगा, उसमें इस तरह हो जाएगा नंबर दो पे पासन श्रेणी, उसमें यहाँ लैम्ब्डा इसको पी रख देंगे पासन के लिए, और भाई यहाँ बस एन वन और एन टू के मान चेंज होंगे। जो मान होता है एन वन का वो हो जाएगा तीन, और एन टू का मान हो जाएगा चार, क्योंकि स्पेक्ट्रम में जो श्रेणी है पासन वो नंबर तीन पे आती, इसलिए तो ये हो जाएगा एन का मान तीन हो जाएगा, और जो एन टू का मान हो जाएगा चार। अपन यहाँ पर दोनों के मान रख देंगे, इसमें यह आ जाएगा एक बटा लैम्ब्डा पी बराबर वही आर इन टू एक बटा तीन का स्क्वायर नौ माइनस एक बटा चार का वर्ग हो जाएगा सोलह, तो एक बटा लैम्ब्डा पी बराबर। अब हम इसका लेंगे लेस है लघुतम लेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका लेस लें तो यानी कि यह आ जाएगा आर इन टू, यानी कि यहाँ पे इसे उससे गुणा कर दें इसको सोलह को नौ से, तो हो जाएगा 144 और यह जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है भाई, तो यह आ जाएगा एक बटा लैम्ब्डा पी बराबर 16 में गए 9 सात बचेंगे, तो 7 आर बटे 144 से हमें लैम्ब्डा पी का मान चाहिए। तो यह आ जाएगा लैम्ब्डा पी बराबर, देखो इसको हम पलट देंगे, ये ऊपर जाएगा नीचे, तो 144 बटे में 7 आर, वही आर का जो मान है हम यहाँ पे हम आर का मान रख देंगे, तो लैम्ब्डा जो पी का मान वो आ जाएगा लैम्ब्डा पी बराबर 144 बटे 7 गुणा आर का मान रखेंगे 1.09737 गुणा 10 की पावर 7, ये मीटर इनवर्स में है। हम जब इसको सोल्व करेंगे इसका माना जाएगा 18,745, सोल्व करने पर 18,745 एंगस्ट्रम इसका जो मान आ जाएगा, लैम्ब्डा जो पी का मान आएगा वो 18,745 एंगस्ट्रम में इसका मान प्राप्त हो जाएगा। यह हमने तरंग धैर्य ज्ञात किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।